हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज़। और मेरे साथ हैं मिस इन्फॉर्मेशन पे बात करने के लिए पूजा और प्रियंका। और इस बार जो हम बातचीत कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान कुछ एक मिस इन्फॉर्मेशन फैली थी। मिस इन्फॉर्मेशन का सपोजिटली मिस इन्फॉर्मेशन का एक फैक्ट चेक हुआ था, जिसका फैक्ट चेक हमने किया और हमें एक बहुत ही सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स ऐसा मिला के जो भी जिस तरीके से फैक्ट चेक किया जा रहा है वो सही नहीं है। और ये जो फैक्ट चेक हो रहा था ये सरकारी फैक्ट चेक हो रहा था, जो सरकारी एजेंसी है पीआईबी की, जो पीआईबी की जो फैक्ट चेक पीआईबी का जो फैक्ट चेक विंग है वो जिस तरीके से फैक्ट चेक कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद वो सही जानकारी, उनके हिसाब से जो सही जानकारी है वो हमारे सामने रखते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो ये जो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड था उस वक्त का जब श्रमिक ट्रेन चल रही थी और उसमें मजदूर जहां कहीं भी फंसे हुए थे वहां से वो अपने घरों के लिए जा रहे थे। उस दौरान बहुत सारी खबरें आई कि ट्रेन डिले हो रही है, ट्रेन भटक रही है, ट्रेन 5 दिन बाद, इतने दिन बाद पहुंच रही है। मगर उस दौरान और भी ज्यादा एक बुरी चीज ये हुई कि उन ट्रेन ट्रेन्स में उन यात्राओं के दौरान कुछ मजदूर ऐसे थे जो पहुंच ही नहीं पाए, जो जो मर गए रास्ते में, बच्चों के मरने की भी खबर आई। इन सारे केसेस में पीआईबी ने ये बताया कि ये सभी लोग पहले से बीमार थे। ज्यादातर केसेस में उनका यही कहना था कि ये सभी पहले से बीमार थे, और अंत में उन्हें ये तक करना पड़ा कि रेलवे मिनिस्ट्री को ये बताना पड़ा कि अगर आप बीमार हैं, अगर आप इतने साल के ऊपर हैं, बुजुर्ग हैं, अगर आप बच्चे हैं तो बहुत जरूरी नहीं हो तो ट्रैवल ना करें, एज इफ वो आउट ऑफ चॉइस ट्रैवल कर रहे थे। खैर, हम तीन स्पेसिफिक केसेस के बारे में बात करेंगे जिस पे हमने काम किया था, जिसमें इन इन तीनों केसेस में पीआईबी ने फैक्ट चेक सामने रखा था कि ये सभी लोग पहले से बीमार थे। और इसमें जो सबसे बड़ा वाकया था, जो जो एक वीडियो था जिसने पूरे देश भर में हर किसी को थोड़ा सा कपा दिया था, उसमें ये दिख रहा था कि एक महिला है जो कि रेलवे स्टेशन पे पड़ी हुई हैं और उनका बच्चा उनको जगाने की कोशिश कर रहा है और फिर पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी थी। इसके बारे में, इस पे सबसे पहले तो ये हुआ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके का अप्रोर होता है वो होता है। और उसके बाद फिर बात इस पे आई कि पीआईबी ने ये बताया कि ये जो महिला थी इनका इलाज चल रहा था, ये बीमार थी। और इस पे ये बात भी आई थी कि वो मेंटली और फिजिकली अनफिट टू ट्रैवल थी, राइट? चैलेंज। हाँ। सो इस फैक्ट चेक का, जब हमने फैक्ट चेक करना शुरू किया, इस पे पूजा ने पूरी तरीके से काम किया था। सो पूजा से पूछते हैं कि क्या मिला, क्या वर्जन था उनके घर वालों का और क्या वर्जन था जो सरकारी वर्जन था? पहली बात तो अगर पीआईबी बोले कि वो बीमार थी पहले से, उसका उन्होंने एक लाइन में एक सेंटेंस सिर्फ ट्वीट किया था कि वो पहले से बीमार थी, कि जैसे उनके एक सेंटेंस को एक गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ की तरह ले लिया जाए कि हम लोगों ने बोल दिया तो बस बीमार थी तो थी। उनका कोई, अगर वो बीमार थी, काफ़ी यंग थी वैसे, वो अपनी ट्वेंटीज अर्ली ट्वेंटीज में थी, तो अगर वो बीमार थी तो उनका कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं प्रोवाइड किया गया था, प्लस उनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था। तो बिना पोस्टमार्टम के, मेडिकल हिस्ट्री के, उन्होंने कहा कि वे बीमार थी। और इसका बेसिस उनके जो ब्रदर इन लॉ है, जो उनके साथ ट्रेन में थे, उनके स्टेटमेंट पे पीआईबी ने ये कहा था। हालांकि ये सच है कि ब्रदर इन लॉ ने शुरुआत में बीमारी के बारे में वैसे उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि हाँ, बीमार वो नहीं थी, पहले से ठीक थी। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि ट्रेन में उन्हें खाना पानी मिला था, क्योंकि काफ़ी चर्चा ये चल रही थी कि ट्रेन में खाना पानी नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। तो अपनी शुरुआती स्टेटमेंट्स में ब्रदर इन लॉ, जिनका नाम वजीर है, वजीर ने कहा था कि खाना पानी मिला था। उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए अपने स्टेटमेंट में। एक स्टेटमेंट उन्होंने ये भी कहा था कि नहीं मिला है। तो अच्छा, उस एक एक चूंकि वजीर का नाम आया है इसलिए मैं यहाँ पे ये रख रहा हूँ कि उन्होंने एक कंप्लेंट लेटर, सॉर्ट ऑफ एक कंप्लेंट लेटर भी दिया था जो जिसपे उनके थंब इम्प्रेशन थे। थर्मल इम्प्रेशन है। हाँ,
तो वो मुजफ्फरपुर स्टेशन पे जब उनकी लाश मिली थी तब पुलिस भी आई थी, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज की थी और उस कंप्लेन में उनका थंब इम्प्रेशन है क्योंकि उन्हें लिखना या पढ़ना नहीं आता है। तो हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मैंने नहीं लिखी है, वो मेरी तरफ से किसी ऑफिसर ने किसी पुलिसमैन ने लिखी है। और उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ था? उसमें ये लिखा था कि वे पहले से बीमार हैं और वो फिजिकली और मेंटली इल थी। अब मान भी ले अगर मेंटली भी इल थी, एक बार फिजिकल इलनेस को साइड में रखे, किसी के मेंटल इलनेस से उनके दम तोड़ने का क्या रिलेशन है, मतलब ये तो मुझे तो नहीं समझ में आया। और तो उन्होंने हमने उनसे पूछा कि आपने जो कंप्लेन लिखी थी, मतलब आपके तरफ से जो कंप्लेन लिखी गई है वो आपको पढ़ के सुनाया गया था, क्योंकि तो उन्हें नहीं आता है पढ़ना लिखना। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने मेरी तरफ से लिखी गई थी और मेरा सिर्फ अंगूठे का छाप ले लिया गया था। अच्छा, तो जस्ट टू क्लैरिफाई, एक कंप्लेंट लेटर लिखा गया जो कि उन्होंने नहीं लिखा, उनकी तरफ से किसी ने लिखा, और अंगूठा लगवाने से पहले उन्हें पढ़कर बताया भी नहीं गया कि उस चिट्ठी में नहीं क्या लिखा हुआ है। नहीं एंड नहीं एंड उन्हें एंड नहीं पता था। इस कंप्लेंट लेटर के बेसिस पर यह बताया गया कि हाँ, इनके घर वालों का भी कहना है कि ये पहले से बीमार थी एंड शी वॉज मेंटली अनफिट एज वेल। मेंटली अनफिट एज वेल। और ये सिर्फ एक घर वाले हैं, और अगर आप वजीर के पुराने स्टेटमेंट्स भी, एकदम इनिशियल स्टेटमेंट्स भी अगर आप देखेंगे, तो उसमें उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि वो पहले से बीमार थी। वो इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं कि ट्रेन में खाना मिला था या नहीं मिला था, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में कहा था कि नहीं मिला था हमसे, उन्होंने सॉरी मिला था हमसे, उन्होंने कहा कि नहीं मिला था। तो इस चीज़ पे हाँ उनके स्टेटमेंट्स चेंज हुए हैं, पर अरवीना बीमार नहीं थी ये उन्होंने हमेशा से मेंटेन किया है। उन्होंने और हमेशा मेंटेन किया कि वो पहले से बीमार नहीं थी, नहीं थी खाना मिला या नहीं इस पे इस पे, वो हाँ इस पे वो उनके कब स्टेटमेंट थोड़ा बदल बहुत, दे। हाँ। और पीआईबी ने कहा कि फैमिली वालों ने, मतलब अरवीना के फैमिली मेंबर्स ने कहा, और फैमिली मेंबर्स में सिर्फ एक ब्रदर इन लॉ नहीं आता, उनके साथ उनकी बहन जो है, ब्रदर इन लॉ की जो वाइफ थी वो भी ट्रैवल कर रही थी, वो भी ट्रैवल तो कर रही उनसे थी। भी, हाँ तो उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि वो पहले से बीमार नहीं थी, खाना पानी मिला नहीं मिला था। फिर हम उन्होंने माँ बाप से भी बात की, अगर बेटी बीमार होगी पहले से तो माँ बाप को पता होगा, माँ बाप ने भी कहा कि वो पहले से बीमार नहीं थी। तो हमने जितने भी फैमिली मेंबर्स यहाँ पे, हमने माँ बाप, बहन और ब्रदर इन लॉ चारों से बात की, और चारों फैमिली मेंबर्स ने यही मेंटेन किया कि वो पहले से बीमार नहीं थी। नहीं थी। अगर हम इसमें एक छोटी सी बैक स्टोरी भी अगर हम अरवीना की बताएं कि अरवीना शायद 25 साल की थी, 23 की थी शायद, हाँ 23 की 23। थी, उनके दो बच्चे थे और वो बिहार की थी और गुजरात जाकर वो मजदूरी करती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी, अपना पेट पालती थी, और उनके वो तलाकशुदा थी शायद, हाँ 1 साल पहले उनका डिवोर्स हो गया। उनका डिवोर्स हुआ था। सो डिवोर्स के बाद फिर वो गुजरात चली गई थी जहाँ पर वो अपने बहन अपने बहन के पति के साथ वो रह रही थी वहाँ पर, और बाकायदे मजदूरी कर रही थी, और उसके बाद फिर वो वापस घर जा रही थी लॉकडाउन के दिनों में, जब उनकी ये डेथ हुई, जिसके बाद ये बताया गया और जिसके बाद ये बताया गया कि वो फिजिकली फिट नहीं थी। फिट नहीं थी। अरवीना ने क्या ट्रैवल करने से पहले, क्योंकि ये ऐसा बोला गया था कि हर किसी को ट्रैवल करने से पहले चेकअप कराना है, क्या अरवीना ने वो करवाया था? अरवीना ने, अरवीना की सिस्टर ने और उनके हस्बैंड ने? ब्रदर इन लॉ का और जिसकी जो बहन है, दोनों का यही कहना था कि उन्होंने टेस्ट करवाया था, मतलब चंडे के पहले जो स्क्रीनिंग होती है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है, तो वो हुआ था। अब सरकार ने भी जो गाइडलाइंस निकाले थे उसमें भी लिखा हुआ है कि किसी को भी अगर कोविड के सिम्टम्स होंगे तो उन्हें चढ़ने नहीं दिया जाएगा, और फैमिली मेंबर्स ने भी कहा कि उनका स्क्रीनिंग हुआ था। तो अगर स्क्रीनिंग हुआ था तो मतलब उन्हें खांसी, जुकाम, सर्दी या फीवर ये सब तो नहीं था, तो इसमें से कुछ भी नहीं। हाँ इसमें से कुछ नहीं था, कोविड के सिम्टम्स तो नहीं थे, तो उन्हें चढ़ने दिया गया था। तो मतलब कोविड के सिम्टम्स नहीं थे, पहली बीमारी भी अगर कुछ हो उसके भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास या पीआईबी के पास, तो किस बेसिस पे कहा गया है ये तो पीआईबी शायद खुद ही बता सकता है। ये शायद मतलब कुल मिलाकर यही लग रहा है कि ये सिर्फ एक उस कंप्लेंट लेटर के बेसिस पे कहा गया है जो कि
जिसमें क्या लिखा है वो पता ही नहीं था उस आदमी को जिसने उस पर अंगूठा लगाया है। हाँ, क्योंकि उस आदमी के स्टेटमेंट्स पे भी, मतलब एक शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने मेंटेन किया है कि वो बीमार नहीं थी। ठीक है, तो ये पहला केस था जिसके बारे में पीआईबी ने क्लैरिफिकेशन दिया, सरकारी क्लैरिफिकेशन आया कि वो अनफिट थी। और इसके बारे में हमने सबसे पहले इसलिए बात की क्योंकि इसके बारे में सबसे ज्यादा बात हुई थी देश भर में, इसका वीडियो बहुत ज्यादा जगहों पर शेयर हुआ था, व्हाट्सएप में खूब घूमा था और काफी ज्यादा परेशान करने वाला वीडियो था ये। इसके अलावा एक और केस हुआ था जहां पर 4.5 साल का एक बच्चा, उसकी डेथ हुई थी ट्रैवलिंग के टाइम पर। प्रियंका, उसके बारे में उस क्लैरिफिकेशन के बारे में क्या कहना है, क्योंकि उसमें भी यही क्लैरिफाई किया गया था कि वो पहले से बीमार था। हाँ, तो उसमें उस केस में एक्चुअली 28 मई को तो एक पीआईबी ने एक दूसरे ट्वीट को रिट्वीट करते हुए बताया था। उससे पहले भी उस केस में बहुत बातें हुई थी, जब एक रिपोर्ट में उस बच्चे की तस्वीर भी थी और उस ट्वीट को, उस खबर को एक्चुअली जिसमें बच्चे की रिपोर्ट में तस्वीर थी, बताया गया कि ये बच्चा बीमार नहीं, मतलब ट्रेन में ही मर गया था। और वो ईद के दिन हुई थी मौत, तो इसीलिए थोड़ी ज़्यादा उसको ये तवज्जो मिल गई। तो पीआईबी ने उसी दिन, मतलब 26 मई को, 25 को ये हुई थी घटना, 26 मई को ही एक खबर को पीआईबी ने गलत बताया और बताया कि ये बच्चा पहले से बीमार था और अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से ट्रैवल कर रहा था इलाज के बाद। वहाँ पे दिल्ली में बच्चे की इलाज हुई थी और ट्रैवल कर रहा था, ऐसा पीआईबी खबर। राणा यूब का ट्वीट आया था जिसमें राणा यूब ने इस बारे में बात करी थी, जिस पर जिसे कोट ट्वीट करते हुए स्पोक्स पर्सन रेलवेज नाम के एक ट्विटर अकाउंट ने, जो कि वेरीफाइड है, इस ट्विटर अकाउंट ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया था कि जो हुआ है वो अनफॉर्चुनेट इवेंट था, मगर बच्चा जो है वो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था दिल्ली से अपना इलाज करवाने के बाद। हाँ, तो इस ट्वीट को भी पीआईबी ने रिट्वीट किया था, ये 28 मई की ट्वीट है। इससे पहले भी पीआईबी ने इस खबर को गलत बताया था, भ्रामक, जिसमें इस बच्चे की भी खबर थी एक। तो हमने इसमें, और पीआईबी ने इस क्लेम में कहीं फैमिली से बात नहीं की थी, कहीं कुछ, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, जैसा कि पहले भी हमने दिखाया बताया कि कोई रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने नहीं बताई दिखाई, और सिर्फ ये कि ये बच्चा बीमार था, इलाज करा के वापस अपनी फैमिली के साथ आ रहा था और की डेथ हो गई। पर किस जब चीज़ का इलाज करवा के आ रहा था, क्या ये बताया गया? कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ ये कि इलाज करा के वापस आ रहा था, इतना ही पीआईबी ने मतलब क्लेम किया था पहले भी। तो जब फादर से हमने बात की, इनके फादर का नाम है पिंटू खान, मोहम्मद पिंटू, तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कोई इलाज हमारे बच्चे की हाल में तो नहीं हुई है और हमारा बच्चा स्वस्थ था पहले से, कुछ बीमारी थी ही नहीं उसको। तो उनका कहना है कि कोई इलाज नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। हमने पूछा भी कि आप ट्रेन में जब चढ़े थे तो कोई टेस्ट हुई थी, स्क्रीनिंग हुई थी? उनका हाँ हाँ सब हुआ था, स्क्रीनिंग हुई थी, तभी तो हम लोग ट्रेन में चढ़े थे। फिर हमने ये भी पूछा कि खाने पीने की क्या थी, तो उन्होंने कहा हाँ हम लोग खाने पीने का उससे पहले कुछ था दिन से, बट ट्रेन में दो बार मिला था खाना, उसके बाद से उन लोगों को कुछ नहीं मिला था। भूख प्यास लगी थी, उनके साथ बहुत सारे बच्चे थे, बच्चे सब बच्चे को दूध और पानी ये सब का मतलब तकलीफ हो रही थी। और फिर, और ये जो मौत हुई बच्चे की वो ट्रेन में नहीं हुई, दिल्ली से पटना के जर्नी में उन्हें दो बार खाना मिला था। हाँ, एक बार दिल्ली में मिला था ट्रेन में चढ़ते वक्त। अच्छा, चढ़ते वक्त एक बार मिला और उसके बाद पटना पहुंचने तक, यानी कि एक रास्ते में उस जर्नी में उन्हें एक बार खाना मिला। एक बार मिला और एक बार लखनऊ में उनको, उसी जिस दिन ट्रेन में चढ़े वो लोग, उसी दिन शाम को, दोपहर को ट्रेन में चढ़े थे तब मिला था। और ट्रेन जब शाम को लखनऊ पहुंचती है 9:30 बजे रात को, तब उनको वहाँ पे पूरी और चटनी मिली थी, ऐसा उन्होंने बताया कि पूरी चटनी मिली थी। अच्छा। उसके अलावा उनको कहीं भी पानी भी नहीं, पानी वानी भी कहीं नहीं मिली थी उन लोगों को, और ये परेशान थे। ये बात है मई की,
जब हाँ अच्छी खासी गर्मी होती है। जी 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 हाँ ठीक है। तो इस दौरान उन्होंने भी यही कहा कि कोई इलाज नहीं चल रहा था और किसी भी तरीके की कोई मेडिकल हिस्ट्री वगैरह के बारे में उन्होंने बात करी? नहीं 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 उन्होंने कहा मेरा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था, उसे कुछ बीमारी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कभी कोई इलाज अभी हाल में रिसेंटली कोई इलाज नहीं थी। वो लोग वापस बस आ रहे थे लॉकडाउन के टाइम पे फंसे हुए। क्या उस बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ था? नहीं उन्होंने हमने पूछा उनसे कि आपने पोस्टमार्टम कराया है नहीं, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग एक तो आ रहे थे मुश्किल से फंसे थे, हमारे साथ और भी बच्चे थे 4-5, एक तो उनके साथ उन्होंने कहा कि 10 दिन का बच्चा था तो दिक्कत हो जाती, वो बोले कि और बाकी भी बच्चे थे तो बहुत परेशान थे, तो हमने खुद से मना कर दिया कि हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना। पुलिस आई थी पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही थी बॉडी को, उन्होंने कहा कि नहीं हम सुबह से रेलवे स्टेशन पे भटक रहे थे घर जाने के लिए, बस नहीं मिल रही थी, कोई प्रशासन का इंतजाम नहीं था घर तक पहुँचाने का या कोई क्वारंटीन का कोई सुविधा नहीं थी, सब बोल रहे थे खुद से आप लोग करिए जाइए। तो वो लोग पहुँच तो गए थे स्टेशन बहुत सुबह ही 10 बजे, बट 10 बजे से 3 बजे तक वो स्टेशन पे सिर्फ चक्कर काट रहे थे कि वहाँ से अपने घर कैसे जाए, कोई सुविधा नहीं थी। तो इसी बीच उनके बच्चे की मौत हुई और फिर वो पोस्टमार्टम के लिए उनको वेट करना पड़ता ये वो, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं करवानी। अच्छा मतलब वो पटना पहुँच चुके थे और उसके बाद उसकी मौत हुई? हाँ, पटना पहुँच चुके थे, पटना से वो लोग मुजफ्फरपुर पहुँचे और उनको शायद कटिहार जानी थी, मैं हामिश कर रही हूँ, बट ट्रेन स्टेशन पे ही मौत हुई घर पहुंच। ठीक है। और जो तीसरा केस है जिसमें 2 डेथ्स के केसेस थे मडवाडी एक्सप्रेस में, एक वो ट्रेन जब पहुंची थी तो उसमें 2 डेड बॉडीज मिली थी, जिसके बारे में PIB ने ये बताया था कि इनको PIB ने इसे वो किया था, रीट्वीट किया था फिर से। स्पोक्स पर्सन रेलवे ने बताया था कि जिनका देहांत हुआ वो पहले से ही बीमार थे, उनमें से एक 30 वर्षीय लकवे से ग्रस्त थे एवं किडनी की बीमारी का इलाज मुंबई में करा रहे थे, और दूसरे व्यक्ति जो 63 वर्ष के थे वो भी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थे। तो ये जो पहला जो उन्होंने बताया जिनका लकवे से ग्रस्त उन्होंने बताया वो सही है, वो लकवे से ग्रस्त थे और उनके परिवार वालों का भी कहना था कि हाँ उनकी किडनी की इलाज चल रही थी, ऐसे वीडियोज भी हैं और परिवार वालों ने कहा है खुद से। बट जो सेकेंड इंसिडेंट जो रेलवे स्पोक्स पर्सन ने यहाँ पे क्लेम किया है कि वो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हाँ, उनका नाम भी नहीं तब तक पता चला था जब इन्होंने दावा कर दिया, उनका नाम भी नहीं पता चला था तब, क्योंकि इनके साथ कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था, ये अकेले ट्रैवल कर रहे थे और इनके परिवार वाले कोई ट्रैवल कोई भी ये बताने वाला नहीं था कि इनका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे क्या है, और पता भी नहीं चला था। और उनके बारे में बता दिया गया था कि उन्हें कई बीमारियां थी। तो क्या पोस्टमार्टम हुआ था उनका? पोस्टमार्टम हुई बॉडी की, बाद में उनके बॉडी से जब ट्रेन उतरी वहां पे मंडवाड़ी स्टेशन पे बॉडी उतारी गई तो छानबीन करके एक आधार कार्ड मिला, तो आधार कार्ड में उनका नाम था और जगह जहाँ रहते हैं वहाँ का पता बताया गया था, उसके आधार पे उनके परिवार वालों को फोन किया गया बताया गया। उससे पहले बॉडी को सबसे पहले तो कोरोना टेस्ट हुआ था, जैसा पुलिस ने हमें बताया कि दोनों बॉडी का कोरोना टेस्ट हुआ, दोनों का निगेटिव आया था, फिर पोस्टमार्टम करवाई गई। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है फैमिली को, हमारी ये बातचीत से जस्ट पहले मेरी उनके ये राम रतन गौड के बेटे से बात हुई है राजेश से, अभी जस्ट मैंने उनसे पूछा कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आपको मिला, उन्होंने कहा कि नहीं मैं कल गया हूँ फ्री होके पुलिस स्टेशन पता किया, तो उन्होंने पुलिस ने कहा है कि इलाहाबाद गई है आपकी रिपोर्ट, अभी अब वहाँ से आएगी तो हम आपको फोन करके बताएंगे, तो पोस्टमार्टम में क्या आता है वो बताया जाएगा। बॉडी की पोस्टमार्टम 26 या 27 मई के आसपास जो डेथ हुई है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज 13 जून तक नहीं मिली है उनके घर वालों को? नहीं मिली है उनके घर वालों को अभी तुरंत, हाँ जैसा पता चला मुझे। अच्छा ठीक है। तो और
जब उनके बारे में बताया गया कि उन्हें बीमारी वो बीमारियां थीं कई सारी, उस टाइम तक उनके बारे में पता भी नहीं था कि ये कौन है। था नहीं उनके बारे में। हाँ हम लोग को पता उनके घर वालों से भी बाद में बात हुई क्योंकि उनका आधार कार्ड मिला। जी। और इसके बाद फिर पीयूष गोयल का ट्वीट आता है 29 मई को, जिसमें वो लिखते हैं कि 65 से अधिक या 10 से कम आयु के व्यक्ति श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में बहुत आवश्यक होने पर ही यात्रा करें, इसमें गंभीर रोग से ग्रस्त गर्भवती महिलाएं भी शामिल। तो क्या मतलब, मुझे तो नहीं लगता है कि अगर किसी को लकवा है तो वो ट्रेन में ट्रैवल करे तो उसकी डेथ हो जाएगी ये। और अगर कोई मेंटली भी साउंड नहीं है या अनफिट है तो भी उसकी डेथ हो, मतलब नॉर्मल दिनों में कतई मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रेलवे ऐसी इस तरीके की, रेलवे मिनिस्टर इस तरीके का कोई ट्वीट करेंगे जिसमें लिखा होगा कि आपकी उम्र इतनी से इतनी हो तो ही करें, और वो भी तब जब जरूरी हो। और एक एक थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखी है इसमें, वो ये है कि बिना घर वालों से बात किए पीआईबी ने, क्योंकि अब अगला तो मर ही चुका है, वो तो क्या ही बताएगा अपना हाल, तो घर वाले ही बताएंगे फिर। तो उन्होंने पीआईबी ने बिना घर वालों से बात किए, बिना कोई भी मेडिकल हिस्ट्री दिए, बिना कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड दिए, हर केस में यही बताने की कोशिश करी है कि ये सभी लोग पहले से बीमार थे। इसमें और कुछ समझ में आता है इस पीआईबी के फैक्ट चेक में? पीआईबी का फैक्ट चेक जब कोई भी चीज मीडिया में रिपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि आई थिंक HT की रिपोर्ट थी, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट थी कि कुछ 80 लोगों की डेथ्स हुई हैं श्रमिक ट्रेन्स में, और जितनी बार भी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ट्रेन के कंडीशंस की वजह से हुई है, कि उनको उनके पास पैसे नहीं है, 2-3 महीने से काम नहीं कर रहे हैं, खाने पीने को ठीक से पहले भी नहीं मिल रहा था, ट्रेन जो जो ट्रेन एक दिन में अपने डेस्टिनेशन पहुंच जानी चाहिए वो भी काफ़ी भटक रही थी, टाइम लगा के पहुंच रही थी, मई की गर्मी में कुछ भी हो सकता है, इतनी गर्मी है, हाँ मतलब खाना अभी पानी अभी हमें स्पेशली पता चला पानी ना कि, मिले। हाँ अभी हमें पता चला कि एक ट्रेन जो कि दिल्ली से चली है, जिसे पटना जाना है, दिल्ली में एक बार उसे खाना दिया गया, लखनऊ में दिया गया 500 550 किलोमीटर के बाद, और उसके बाद लखनऊ से पटना तक खाना नहीं मिल रहा है, और वो साफ बता रहे कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। और गर्मी के मौसम में पानी जैसी चीज़ अगर ना मिले तो काफ़ी कुछ हो सकता है। तो जैसे ही कोई भी मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं तो PIV से पे ट्वीट कर देता है, मीडिया अपनी 500 वर्ड की रिपोर्ट लिखती है, फैमिली वालों से बात करती है, हमने भी जितने फैक्ट हाँ, चेक्स 10 लोगों से किए बात करी, पुलिस का उसमें पुलिस का वर्जन एंगल है। लिया हाँ जाता है, इन सभी से बात करी जाती है, उनके घर वालों से बात करी जाती है, एंड देन हाँ एक ट्वीट आता है जो उसे सब कुछ, और हर चीज को हाँ खारिज कर देता है। खारिज कर देते हैं। हमने भी जब अपनी स्टोरी की थी, मैंने जब अरवीना वाली जब स्टोरी की थी उसमें हमें एटलीस्ट 1 हफ्ता लगा था सबसे बात करने के लिए, हमने उसमें मेडिकल ओपिनियन भी लिया था कि ऐसे अगर कोई ट्रेन में ट्रैवल करे तो अचानक से मौत हो सकती है क्या, कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस बहुत लोगों को होती है, अब किस तरह की प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो भी आप नहीं बता रहे हो, ऐसा नहीं है कि बूढ़े बुजुर्ग बच्चे या प्रेग्नेंट औरतें या कोई भी इंसान जैसे कोई किडनी का भी प्रॉब्लम हो तभी क्या वो ट्रेन या फ्लाइट्स में ट्रैवल नहीं करते, ऐसा तो नहीं होता है, करते ही हैं, अब आप अचानक से क्यों मना कर रहे हो। तो मीडिया जितना भी कोशिश कर रहे हैं रिपोर्ट करने को, उसको डिसमिस करने के लिए, उसको डिसरिकार्ड करने के लिए PIV सिर्फ एक सेंटेंस का एक ट्वीट कर देता है, ये रिपोर्ट फिक्टिशियस ये गलत, है, भ्रामक है, गलत है, और बस दैट्स इट। और उस पर अब हमें 1 हफ्ता लग जाता है उसे उसकी एक सेंटेंस को फैक्ट चेक करने के कि नहीं भ्रामक नहीं है। तो काफी इसमें दिखता है कि PIV कैसे मीडिया को भी इस तरह से बुली करने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ से तो मिस इन्फॉर्मेशन फैला ही रहा है और दूसरी तरफ से मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रही है, जो जर्नलिज्म करने की कोशिश कर रही है, उन्हें भी साइलेंस साइलेंट करने की कोशिश कर रहा है सिर्फ एक ट्वीट के बेसिस पे। और PIV फैक्ट चेक काफी नया है, और नॉट जस्ट PIV का जो मेन हैंडल, हर स्टेट में PIV बिहार, PIV JNK, हर जगह PIV गुजरात, हर जगह से अलग अलग ट्वीट्स करते हैं, हर स्टेट का अपना हैंडल बनाया है जिसमें अपने फैक्ट चेक्स, वो लोग फैक्ट चेक क्या बोलूँ, एक सेंटेंस ट्वीट कर देते हैं। तो ये
मीडिया को बुली करने का भी एक नया तरीका है। तो इसमें दो इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें हमने जिक्र किया है स्पोक्स पर्सन रेलवे का, जो कि 2020 से पहले, जनवरी 2020 से पहले एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था, और लॉकडाउन में ये खासा एक्टिव हुआ है। तो इस इनके ट्वीट्स के किस किस हिसाब से चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? हाँ, तो ये स्पोक्स पर्सन ऑफ रेलवे का जो ट्विटर हैंडल है, ये अभी जनवरी 2020 में बनाया ही गया है। और अगर हम देखें तो इनका पहला जो ट्वीट है वो फेब 2020 में पहला ट्वीट था। उसके बाद से 3 महीने तक कोई ट्वीट नहीं है। उसके बाद जो सेकेंड ट्वीट है इनका, वो मई के करीब 26 और 25 मई को दूसरा ट्वीट है इनका, इनके हैंडल से किया गया दूसरा ट्वीट है। और टोटल अभी तक इन्होंने मैं जैसे अभी देखा मैंने जस्ट, तो 32 ट्वीट्स हैं टोटल, जिसमें से सिर्फ श्रमिक ट्रेनों के स्टार्ट होने के बाद से जो ये खबरें आई बहुत सारी की ट्रेनों में मौत हो रही है श्रमिकों की, कई खबर में हिंदुस्तान टाइम्स और बाकी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसको प्रमुखता से प्रसारित किया कि भूख प्यास और इन सब चीज़ों से ट्रेनों की, मतलब ट्रेनों में श्रमिकों की मौत हो रही है। तो उसके बाद से स्पोक्स पर्सन ऑफ रेलवे का ट्विटर हैंडल एक्टिव हो गया बहुत, और ये सब ट्वीट्स किए जाने लगे कि नहीं ये भ्रामक है, ये खबर ऐसा नहीं है, ट्रेन टाइम पे पहुंची है और जो भी बीमार हैं वो पहले से, मतलब जो भी मौत हुई है उसमें से कुछ लोग पहले से बीमार थे कुछ, और ये दावा करने के लिए कुछ भी दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया कि हाँ ये हमने फैमिली से बात किया, ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं या कुछ है, बस दावा किया जाता था। और इस ट्वीट को पीआईबी के ट्विटर हैंडल से भी, पीआईबी के फैक्ट चेक के ट्विटर हैंडल से सॉरी रिट्वीट किया जाता था। तो बेसिकली ये इतने दिनों से इनएक्टिव अकाउंट अभी अचानक से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, और जितने भी ट्वीट्स हुए हैं वो, ये थोड़ा अनकॉमन जैसा लगता है। तो ठीक है, इसमें अगर अभी जब मैं देख रहा हूँ तो एक ट्वीट है एनडीटीवी का, जिसमें जिसमें ये बताया जा रहा है कि एनडीटीवी का ट्वीट है, उसके अलावा एक अमर उजाला का एक कटिंग भी है कि 4 दिन तक ट्रेन के टॉयलेट में पड़ा रहा था श्रमिक का शव। तो उस पे इन्होंने क्लैरिफाई करते हुए बताया कि एक दुखद घटना की सत्यता को बिना परखे गलत तरीके से प्रकाशित किया जा रहा है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये श्रमिक ट्रेन कुछ दिन पहले गोरखपुर से झांसी खाली लौटी थी, और ट्रेन के खाली होने पर उसे अगली यात्रा से पहले सैनिटाइज किया जाता है, जिस दौरान ये पार्थिव शरीर प्राप्त हुआ। ऐसा इन्होंने क्लैरिफाई किया है। उसके अलावा उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को भी क्लैरिफिकेशन भेजा है कि कृपया तथ्यों को पहले जांच लें। हाँ, तो जितने भी हैं खबरों को ही ये भ्रामक बताते हैं, और कुछ और भी जो लोग दावा करते हैं ऐसा कि ट्रेनों में मौत हो गई है, उनको भी रिट्वीट करके बताते नहीं, आप भ्रामक खबर फैला रहे हैं, कर रहे हैं, यही काम है बेसिकली। ठीक है, तो ये वो 3 या कह लीजिए कि 4 मौतों के केसेस थे जिसपे पीआईबी ने, मतलब सरकारी एजेंसियों ने जिनके बारे में ये बताया, क्लैरिफाई किया, और उस क्लैरिफिकेशन का जब हमने सच देखा तो मामला बिल्कुल ही उल्टा दिखाई दिया। और पीआईबी पर लगातार लोग बात कर रहे हैं कि आखिर ये एक तरीके का सेफ गार्ड है सरकार के लिए, जो उन्होंने अपने सेफ गार्ड में बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पीआईबी ने सरकारी मामले के अलावा किसी भी मामले में आज तक कोई भी फैक्ट चेक किया है। वो सिर्फ उसी मामले में सामने आते हैं जब जब सरकार क्वेश्चन में दिखती है, जब जो गवर्नमेंट के तरफ से जो भी चीज़ें हो रही हैं उन पर कभी भी ऐसे बात की जाती है, तभी वो फैक्ट चेक करके सामने आते हैं, और एक ट्वीट में वो फैक्ट चेक अपना कर देते हैं, जिसके लिए जैसे कि पूजा ने बोला कि हमें ऑलमोस्ट हफ्ते हफ्ते भर लग जाते हैं। ऑल राइट, ठीक है, ठीक ठाक, मतलब आई गेस आधे घंटे की बातचीत हो गई है जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, और भी हम ऐसे चीज़ों के फैक्ट चेक हम आप तक लाते रहेंगे, जो कि हम लगातार कर रहे हैं वीडियो के फॉर्म में भी और टेक्स्ट के फॉर्म में तो हम कर ही रहे हैं। हमारी वेबसाइट पे जाएं altnews.in और .in ही ना,
मैं हर बार कंफ्यूज रहता हूँ। मैं बहुत बार altnews.com बोल जाता हूँ, लिख भी दिया था कई बार एक्चुअली। खैर ठीक है, ये बातचीत देखने के लिए शुक्रिया और थैंक यू पूजा और प्रियंका हमसे मुझसे बात करने के लिए, और बहुत ही जल्द और भी फैक्ट चेक्स पे हम बात करेंगे। ऑल राइट, अनलॉक में अपना ख्याल रखें, ज्यादा अनलॉक ना हो। थैंक यू।